नोबेल मेमोरियम प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस के बारे में है। ये प्राइज़ दो साइंटिस्ट को दिया गया है, एक का नाम है विलियम डी नार्धोस और दूसरा है पॉल एम रॉमर। इन दोनों को इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए बहुत ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। इसका नोबेल मेमोरियम प्राइज़ का कोई नोबेल प्राइज़ से कोई रिलेशन नहीं है। ये पहली बार 1969 में आए थे जब पहली बार स्वीडन सेंट्रल बैंक ने ये दिए थे। ये अल्फ्रेड नोबल के नाम पे ये नोबल मेमोरियम प्राइज़ दिया जाता है। नॉर्दर्न ने ये बताया है कि कार्बन एमिशंस के ऊपर कंट्रीज़ को टैक्स लगाना चाहिए कि क्लाइमेट को ज़्यादा नुकसान ना हो। और रॉमर ने ये बताया कि टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रोथ रेट होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया कि अफ्रीका ने ज़्यादा इनोवेशन पे ध्यान नहीं दिया तो उनकी इकोनॉमी गिर गई, लेकिन ईस्ट एशिया ने जैसे सिंगापुर मलेशिया वगैरह ने बहुत ध्यान दिया इनोवेशन पे, इसलिए उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। लेकिन टेक्नोलॉजी का नुकसान भी होता है।